अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमको जेब का खाना ना अच्छा लग रहा होगा, इसलिए हम ये अपने हाथ से बना हुआ खाना ले जाएंगे आज उसके लिए। है ये टिफिन विफिन पैक करके अपनी माँ से मिलने जा रही है। हमें इसे किसी भी हाल रोकना होगा। वहाँ पुलिस उसकी माँ को थर्ड डिग्री के डंडे दे रही है, और अगर ये वहाँ पहुँच गई तो हमारा ये प्लान भी चौपट हो जाएगा। मम्मी सा, आपको पता है विधि जेल जा रही है अपनी माँ से मिलने? क्या गप्पे मारने जा रही है अपनी माँ से जेल? विधि आओ। ये सब कुछ लेके जा कहाँ रही हो तुम? डॉक्टर रुकुम, हम माई से मिलने जा रहे हैं। तुम्हें ये याद है कि तुम ईश्वरी की बेटी हो, लेकिन ये कैसे भूल गई कि अब तुम तोमर परिवार की बहू हो। तुम्हारा नाम अब तोमर परिवार से जुड़ा हुआ है, और अगर इतनी रात गए तुम इस तरह पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने जाओगी तो लोग तरह तरह की बातें नहीं करेंगे। विधि, पहले ही दिन में इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया था तुमने। अबीर को मौत के मुंह में ढकेल ही चुकी थी तुम, काफी नहीं था तुम्हारे लिए? क्या अब और बड़ा तमाशा खड़ा करना चाहती हो? ये सब कुछ रख दो, सुबह की सुबह सोचेंगे। इस वक्त तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो त्रिशाला। डॉक्टर रुकुम सही तो कह रही है, हम ही घाम खा इतने उतावले हो रहे थे। अगर हमें समय पे इस समय घर से बाहर निकलेंगे तो कितनी उंगलियां उठेंगी हमारे ऊपर, इस खानदान पर। और वैसे भी डॉक्टर रुकुम ने कहा ना, एक ही रात की तो बात है, माई तो कल रिहा हो जाएगी, हम कल ही मिल लेंगे। सच आने नहीं देंगे, दो इधर। त्रिशु, बीबी ऐसे रेस्टलेस होने से और ऐसे गुस्सा होते रहने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप सिर्फ अबीर पर ध्यान दीजिए, समझी? और फिर आपने अपना गुस्सा उस लड़की पर उतार तो दिया है। नहीं माँ, ये सजा उसके लिए काफी नहीं है। आज उसने आवाज उठाई है, कल वो बड़ा वार कर सकती है। हमें किसी ना किसी तरह विधि का पत्ता काटना है बस। ये क्या चीज है? वही दवा है जो विधि कल इंजेक्शन में डालकर अबीर को लगाने वाली थी। हम तो तिनका ढूंढने चले थे, पूरा पहाड़ी हमें मिल गया। मतलब ये गलत इंजेक्शन है? अगर मम्मी सा को ये पता चल जाए कि विधि अबीर को एक गलत इंजेक्शन देने वाली थी तो क्या होगा? वाओ, रुकिए। मम्मी सा, क्या हो गया त्रिशाला? इस तरह चीखो पुकार क्यों कर रही हैं? मम्मी सा, बात ही ऐसी है कि आप सुन के परेशान हो जाएंगी। जरा देखिए क्या है ये क्या है? आप डॉक्टर हैं, आप समझ जाएंगी। ये वो दवाई है जो विधि अबीर को देने वाली थी।
लेकिन ये तो हार्ट अटैक रोकने का इंजेक्शन है। अगर ये अबीर को दी जाती उनकी तो जान भी जा सकती थी। जी मम्मी साहब। ये कवार लड़की हमारे बेटे को मार कर रहेगी। विधि, विधि। जी डॉक्टर हुकुम। डॉक्टर हुकुम, आपने मारे को बुलाया? कल कौन सा इंजेक्शन देने वाली थी तुम अबीर को? डॉक्टर हुकुम, जो यहाँ पड़ा था और ये इंजेक्शन देने वाली थी तुम अबीर को? कवार लड़की, तुम्हें एहसास भी है कि इंजेक्शन तब दिया जाता है जब हार्ट अटैक होने वाला हो। अगर ये इंजेक्शन तुम अबीर को दे देती ना, तो दो मिनट के अंदर अंदर तड़प तड़प कर हमारे बेटे की मौत हो जाती। अरे क्या दुश्मनी है तुम्हारे हमारे बेटे से? सबसे पहले उनके खाने में मूंगफली डाल दी, जब जी नहीं भरा तो अब उन्हें ये गलत इंजेक्शन देके मार देना चाहती हो? क्यों मारना चाहती हो हमारे बेटे को? डॉक्टर रुको, मारी कोई गलती ना, मैं तो पढ़ना भी ना जानू। गलती तुम्हारी कैसे हो सकती है? गलती तो हमारी है कि हमने तुम जैसी अनपढ़ गवार को इस घर में रखा है और अपने बेटे की जान का जोखिम बना रखा है। मैं जानू डॉक्टर रुकुम कि ये दवाई गलत है। क्या? हाँ, कल रात को हम जब यहाँ आए थे तो विश्वास काका सा ने हमें बताया कि ये दवाई वो नहीं जो बनासा को देनी चाहिए थी। डॉक्टर हुकुम, हम दवाई का नाम पढ़ना नहीं जानते हैं। इंसान को पढ़ना अच्छे से जानते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि इस घर में कोई ना कोई है जो बनासा की जान का दुश्मन बन बैठा है। एक और बहाना। डॉक्टर हुकुम साहब, तो आप ही बताइए, ये दवाई आपने ऊपर रखी थी? तुम्हारी तरह हम अपने बेटे की जान के दुश्मन नहीं है जो दवाई बदलकर गलत दवाई रखेंगे। ना डॉक्टर हुकुम, हमारा वो मतलब ना था। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ये दवाई आपने कहा था आपने ऊपर रखी है, और ये हम बनासा को लगाने के लिए नीचे आए, हमारे से सुई टूट गई, लेकिन ये दवाई बदली गई है। और अगर बदली है तो फिर किसने बदली है? किसी और ने तो रखी होगी ना। हमारे पास इस सवाल का जवाब है। मतलब? एक मिनट भाई साहब। जी कौन है ये और यहाँ क्यों आए? ये वही है जिनसे वो गलत दवाई खरीदी गई है। भाई साहब, कौन थे वो जिन्होंने आपके पास से वो दवाई खरीदी थी? जी एक मिनट, अभी बताता हूँ। कल मारे दुकान से एक ही आदमी ने ये इंजेक्शन खरीदा था और उसका नाम है निशांत। क्या बकवास कर रहे हैं आप? समधन साहब, हमको तो लगता है कि इसमें भी इस लड़की की कोई ना कोई चाल जरूर है। अरे निशांत ऐसा क्यों करेंगे? और आप हमें ये बताइए, क्या हर दवाई खरीदने वाले का नाम रजिस्टर करते हैं आप लोग? नहीं हुकुम, खांसी जुकाम बुखार दवा का नहीं करते हैं, लेकिन ये स्पेशल ड्रग है, बिना पूरी फॉर्मेलिटी के हम इसे बेच ही नहीं सकते हैं। आप जाइए। कमगनी कमगनी, निशांत निशांत, नीचे आओ। अरे हुकुम सा, क्या हुआ? अबीर बनना ठीक तो है ना? क्यों ठीक नहीं होना चाहिए था? आपने जो कुछ भी किया उसके बाद तो उन्हें वैसे ही ठीक नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रही है? यही चाहते थे ना? हम तो ऐसे ही बस पूछ रहे थे कि उनकी हालचाल। जान ले लेंगे हम तुम्हारी, मार डालेंगे तुम्हें।
अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, शोर कैसा हो रहा है? साफ पाल रखा है हमने घर में, जान लेना चाहते थे हमारे बच्चे की। भाभी साहब रुकिए, करना भाभी साहब क्या कर रही हैं आप, होश में आइए। क्यों मार रही हैं आप निशांत को? क्योंकि आपके सपूत ने हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश की। क्या छोड़ेंगे नहीं हम इसे? आपके बेटे ने हमारे बेटे की एलर्जी इंजेक्शन इस इंजेक्शन से बदली थी। ये तब देते हैं जब किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो। अगर ये अबीर को लगा दी जाती ना तो जान निकल जाती हमारे बेटे की। जिस लड़के ने हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश की है इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हुकुम वैसा नहीं जैसा आप सोच रही हैं। हाँ दवाई हम लेके आए थे, लेकिन वो गांव वालों के लिए लेके आए थे। ये गांव वाले अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उनको नहीं पता हार्ट अटैक क्या होता है। वो छाती और हाथ में दर्द को समझते हैं कि वो बस दर्द है। और वैसे भी अबीर बना हमारे भाई हैं, हम उनकी ढाल की तरह हैं, हम उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे? गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। माँ को प्लीज रुक जाइए। अभी आप हमें मत रोकिए, इस निशांत ने बहुत बड़ी गलती की। माँ को प्लीज शांत हो जाइए, हमारे लिए। निशांत की सोच गलत नहीं थी, बल्कि वो बेचारा गांव वालों की मदद कर रहा था। गांव वालों की मदद करेंगे ये, लेकिन इनकी गलती का खामियाजा कौन भरेगा? हम क्यों इनकी गलती का खामियाजा भरे? पहले ही आपके पापा को हमें छोड़ के जा चुके, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर आप भी हमें छोड़ के चले गए तो? माँ कुम ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होता तो ना। आप ये सोचिए कि अगर ऐसा होता तो निशांत केमिस्ट पे अपना नाम लिखवा के क्यों जाता? हाँ बिल्कुल, हमें कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होगा, और हम आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले, भगवान के पास भी नहीं। ओके? और हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे अबीर? आज इस नालायक की वजह से हमने एक मासूम लड़की पर कितने गलत इल्जाम लगा दिए। हमने तो पता नहीं विधि को क्या क्या कह दिया। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आज हमने विधि पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। पता नहीं किस किस तरह के इल्जाम लगाए कि वो अबीर की जान लेने की कोशिश कर रही, जबकि बेचारी सिर्फ यही कर रही थी कि अबीर की जान बच जाए। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम किस मुंह से माफी मांगेंगे उनसे। ना डॉक्टर रुको, क्या डॉक्टर रुको, जो ये ना हमारी दूसरी माई की तरह हरे कुमार से माफी मांगने की कोई जरूरत ना। हेलो, क्या क्या हुआ काका साहब, सब कुछ ठीक तो है? वो पुलिस स्टेशन से फोन था। क्या हुआ है माई को? हाँ वो कह रहे थे कि ईश्वरी जी की तबीयत बहुत खराब है। माई के साथ ऐसा ना हो सके, हमें माई के पास जाना होगा। हम माई के पास जा रहे हैं। Thank you.
विधि, विधि। माफ करना विधि, विधि हमारी बात सुनो ना बन्ना सा। विधि एक मिनट। अबीर क्या हुआ, विधि रुकी क्यों नहीं? नहीं काका साहब, वो नहीं रुकेगी, उसे हमसे ज्यादा उसे उसकी माँ की सख्त जरूरत है। और काका साहब हमें किसी भी हालत में विधि की माँ की बेगुनाही साबित करनी ही होगी। हमने आपको सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा था मार्केट का, आपने देखा कुछ पता चला उससे? हमने बाजार का पूरा फुटेज चेक किया लेकिन उसमें उसमें क्या, उसमें ईश्वरी जी कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखिए, ये उस दिन का पूरा फुटेज है, लेकिन ईश्वरी जी उस दिन ना बाजार में आते हुए दिखाई दे रही है ना जाते हुए। इसका मतलब त्रिशाला पे जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सारे बेगुनियाद हैं। तो क्या ईश्वरी जी सच में ड्रग्स की तस्करी कर रही है? नहीं काका साहब, हम ये बात बिल्कुल नहीं मान सकते। हमें लगता है कि विधि की माँ को कोई फंसा रहा है, लेकिन कौन फंसाएगा और क्यों फंसाएगा? माई, क्या हुआ धारी को? माई आंखें खोल, देख मैं धारी विधि। ये क्या किया आप लोगों ने? क्या हालत बना के रखी हमारी माई की? ये कैसी पूछताछ की आप लोगों ने? ये थाना है आपका घर नहीं, और संत नहीं है आपकी माँ, तस्कर है, वो भी नशीली ड्रग्स की। मारी माई बेकसूर है, मारी माई का बदन तप रहा है और आप लोग इन्हें अस्पताल भी ना लेके गए। माई, माई आंखें खोल। माई, हम इन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अब मारे को जाने दीजिए। अगर मारी माई को कुछ हो गया तो मारी माई के सिवा और कोई ना है मेरा इस दुनिया में। हमको जाने दीजिए, हमको अस्पताल ले जाने दीजिए। माई, बनसा, मारी माई बेकसूर है, मारी माई को बचा लो। अब दरोगा साहब को कहो ना कि मारी माई बीमार है, अगर मारी माई को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मारी माई को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, हम है ना, हम जल्द से जल्द रिहा कराएंगे तुम्हारी माँ को, हम कुछ करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ कहना है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ईश्वरी जी बेकसूर है, ड्रग्स की तस्करी में अगर कोई गुनेगार है तो वो कोई और है। क्या आप जानते हैं उसे? जी। तो फिर बताइए कौन है वो? हम, अबीर सिंह तोमर। अपना गुनाह कबूल करते हैं, हमें गिरफ्तार कर लीजिए और ईश्वरी जी को छोड़ दीजिए प्लीज। मनसा, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? हम इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं ना। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, तो वैसा था। अबीर, बनासा आपने झूठ क्यों बोला? चुप रहो। देखो, हम जानते हैं कि ये सब हमने नहीं किया, और पुलिस भी बहुत जल्दी जान जाएगी।
लेकिन तुम्हारी माँ के पास वक्त नहीं है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, अर्जेंट में। हालत देखो उनकी, कितनी तबीयत खराब है, उनकी हालत बहुत कमजोर है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। और हम जेल में रह सकते हैं, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं अबीर, हम आपको ये पागलपन नहीं करने देंगे। आपको एहसास भी है, आप कितना बड़ा इल्जाम अपने सिर पे ले रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं माकुम कि हम क्या कर रहे हैं। अबीर, आप ऐसे ही किसी का भी इल्जाम अपने सर पे नहीं ले सकते, प्लीज। आप तो ले लिया ना हमने, और हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वरी जी का गुनाह कुछ नहीं है, और दुशाला आप इन सबके बीच में बिल्कुल नहीं आई। देख क्या रहे इंस्पेक्टर साहब, किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम सरेंडर कर रहे हैं, हम कन्फेस करते हैं कि वो जो ड्रग्स थे वो हमारे ही थे। गिरफ्तार कर लीजिए हमें और ईश्वरी जी को छोड़ दीजिए प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं किया, आप बेवजह उन्हें इतना परेशान कर। आपको पता है ये ड्रग्स का केस है और इसमें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। आपको जानते हैं इंस्पेक्टर, अगर गुनाह किया है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। अगर आप चाहते हैं तो हम अपना बयान आपको लिखकर भी दे सकते हैं कि ये सब हमने ही किया है। लाइए हमें पेपर दीजिए। माँ को काका अब इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए, इन्हें इलाज की बहुत जरूरत है। पर अबीर, जैसा कह रहे माँ को वैसा कीजिए प्लीज। भाभी साहब, आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं कुंवर साहब, हम अपने बेटे को यहाँ अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अबीर प्लीज, बेटा ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा एक बार फिर से सोच लीजिए। वहां को हमने सोच लिया, और इसमें कोई ऐसे सोचने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि गुनाह किया है तो हमें सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमने सब लिख के दे दिया आपको कि ये हमने किया। हवलदार, अरेस्ट करो इन्हें। ये क्या कर रहे हैं अबीर? इतना बड़ा बलिदान देने की क्या जरूरत है इन्हें? अगर हम सच बोलेंगे कि इस सब के पीछे हम हैं, तो अबीर की नजरों में गिर जाएंगे। अबीर को जेल जाने से रोकना होगा, पर कैसे? क्या करूं, कैसे बचाऊं अबीर को? अनीसा, अनीसा, हमारे पास अभी भी वक्त है, सच बोल दीजिए। सारे किए की सजा बना साहब को मिलने जा रही है, उन्हें बेवजह सलाखों के पीछे ना रहने दीजिए। विधि, त्रिशाला को बीच में लाना बंद करो। गुनाह हमने किया तो सजा हमें ही मिलेगी। तुम जाओ, अपनी मां को संभालो।